नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी। डिंडोरी जिला मुख्यालय के नर्मदा पुल के उस पार झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक खोलकर धड़ल्ले से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस पर जिम्मेदारों द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर जाने विगत दिनों झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश उन्होंने जारी किए थे, लेकिन कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देशों और आदेशों को अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और जिला मुख्यालय में झोला छाप डॉक्टर खुलकर ग्रामीण क्षेत्र से अपना इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आनंद सैनिक का संचालन कर रहे विश्वजीत बॉस के पास कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडोरी के द्वारा जारी किया गया एक 14/1/2019 का पत्र है, जिस पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अल्टरनेटिव पद्धति से चिकित्सकीय उन्हें अनुमति दी गई है, लेकिन आनंद क्लिनिक के संचालक द्वारा उनके बोर्ड में स्पेशलिस्ट बाबासीर भगंदर हाइड्रोसील अंडकोश में पानी भर जाना जैसी बीमारियों का बिना ऑपरेशन गारंटी के साथ इलाज किए जाने का उल्लेख किया गया है। वहीं क्लिनिक में एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के अमले ने न तो अभी तक जांच शुरू की है और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। झोला छाप डॉक्टर खुलकर ग्रामीण मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिला प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, जिस पर कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश और दिशा निर्देशों का भी असर नहीं हो रहा है। प्रशांत सिंह सिसोदिया, ब्यूरो चीफ, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। प्रशांत, क्या नाम है आपका? विश्वजीत। अच्छा, ये जो इलाज करते हैं जी, किस पद्धति पे करते हैं और किस तरह के सर्टिफिकेट हैं आपके पास? BIMS वाला है। किस पद्धति में करते हैं इलाज? BIMS वाला भी है। आपको परमिशन है इलाज करने का? हाँ, है ना। अथॉरिटी है आपको? बिल्कुल। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।